जिम स्पोर्ट के लिए भी आए हैं और सेवा करने भी आए हैं। सिर्फ मकसद हमारा, सिर्फ लोगों जो किसान भाई यहाँ बैठे हैं, चाहे हरियाणा के हैं, चाहे पंजाब के, चाहे यूपी के, चाहे राजस्थान के, उनकी सेवा जेएसओ ग्रुप कर रहा है, जो जमींदार स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें बहुत सारे लड़के हैं, यूथ हैं, वो सिर्फ हमारा मकसद सेवा करना किसानों की। दाद सर, सर पर आपने ये बात कही कि इन किसान जो बैठे हैं यहाँ, तकरीबन 5 से 10 लाख इनकी संख्या है, आप इनसे आप पूछ के देख लीजिए कि भैया उनके फेवर में है कि नहीं है। या तो वो अपने आप को बहुत शाणा समझते हैं, या फिर हम मूर्ख हैं भैया, जो ये इतनी ठंड में अपने घर बार अपने बच्चे छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं, या तो ये लोग पागल हैं। तो भैया कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है ना, कोई आपका जबरदस्ती कोई आपका भला कराए तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। आपने अपना अपने रोटी खा रखी, अपना पेट भर रखा है, जबरदस्ती आपको खिलाया जाए तो कोई खाएगा नहीं खाएगा, कभी नहीं खाएगा। तो भैया बस करो, जो किसान जो तीनों काले कानून है उनका वापस ले लो। एक सिंपल सी बात है, जो लड़ाई है कहते सरकार के साथ नहीं है, जो लड़ाई है सिर्फ जो तीन काले कानून लेके आए हैं उनके साथ है, ये वापस ले लो। आपका ही भला, इनका ही भला।